चौधरी सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग राधे राधे राम राम कैसे आप सब बढ़िया okay राधे राधेल तो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे अडर ट्वेंटी फोर की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप लोग जरूर डाउनलोड करेंगे आप लोगों को पता ही है कि बच्चा एज यूजल हमारी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही धमाकेदार एग्जाम ओरियंटेड बच्चा हम लोग डेली आपके क्वेश्चन यहाँ पर कवर कराते हैं प्लीज आप लोग एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे शेयर में बस आपको कुछ नहीं करना आप लोगों को सिर्फ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर क्लास का लिंक लगा देना है it, इससे ज्यादा और यदि भाई अगर आप लोग ग्रुप वगैरह में शेयर कर दो तो और भी अच्छी बात है ठीक है है जी सब कुछ okay है बच्चा अब एक बार जरा आपकी स्क्रीन पर आपको अपना पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑफ ऑफ द इज फॉर परमानेंट हार्डनेस वाटर यानी पानी की पानी की जो बेटा आपकी स्थायी कठोरता होती है वो इनमें से किसके कारण होती है मैग्नीशियम बाई के कारण सोडियम क्लोराइड के कारण कैल्शियम सल्फेट के कारण या कैल्शियम बाई के कारण बताइए या फिर बच्चा आपके किसके कारण कैल्शियम बाई के कारण पानी की स्थाई कठोरता आपको पता है कि पानी की जो आपकी हार्डनेस होती है वो दो टाइप की होती है एक होती है टैम्प्रेरी और एक होती है बच्चा क्या आपकी परमानेंट परमानेंट पर आपकी हार्डनेस के बारे में आपसे पूछा गया है कि पानी की जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो इनमें से किसके कारण होती है मैग्नीशियम बाई के कारण सोडियम क्लोराइड के कारण कैल्शियम सल्फेट के कारण या कैल्शियम बाई के कारण या फिर आपकी कैल्शियम बाई के कारण तो बेटा परमानेंट जो आपकी हार्डनेस होती है वो होती है किसके कारण बेटा आपकी कैल्शियम

इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी रिएक्शन यदि आप डाइल्यूट यानी कि आप तनु एससीएल के साथ में करा दो तो आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो सकती है मरकरी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम या आपका आयरन या फिर बच्चा आपका आयरन बताइए इनमें से कौन सा आपका एलिमेंट है जिसकी रिएक्शन आप एस के साथ में कराओगे तो आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो सकती है तो कौन सा है बच्चा आपका मैग्नीशियम सिंपल सी बात है भाई एम बन जाएगा आपका मैग्नीशियम आपका एमजीसीएल बन जाएगा बाकी आपका क्या बचेगा हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार ए प्लांट बर्ड इज अ प्लांट बर्ड यानी पौधों में जो कली होती है वो आपका एम्ब्रोइनिक शूट होता है या एम्ब्रोइनिक लीफ होती है या फिर आपकी वो एम्ब्रोनिक स्टैम्प का हिस्सा होता है या फिर एक बीज होता है बताइए जो आपकी पौधों की जो कली होती है वो किससे डेवलप होती है वो इनमें से किससे डेवलप होती है तो जो आपकी पौधों की कली है वो किससे डेवलप होती है आपके एम्ब्रोनिक शूट पार्ट से सिंपल सी बात है जब भी कभी आपका तो कोई बीज बेटा पनपता है तो वो हमेशा उसके अंदर आपने देखा होगा ना इस तरह से दो पार्ट ऐसे आपके क्या होते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है जी जिसमें से बच्चा आपका नीचे वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं क्या रेडिकल क्या बोलते हैं बच्चा आपका रेडिकल बोलते हैं इससे आपका रूट तैयार होता है ठीक है जड़ इसी से बनती है और ऊपर वाला हिस्सा होता है आपका प्लम्यूल क्या होता है बच्चा आपकी प्लम्यूल होता है इससे आपका शूट पार्ट तैयार होता है इससे आपका क्या होता है बच्चा शूट पार्ट तैयार होता है ठीक है जी अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रोप रूट इज आ बताइए प्रोप रूट इनमें से कौन सी रूट आपकी प्रोप रूट हो सकती है इनमें से कौन सी रूट आपकी प्रोप रूट हो सकती है टैप रूट ब्रांच रूट फैसिलेटेड रूट या फिर आपकी एडवेंसियस रूट बताइए इनमें से कौन सी रूट है जो आपकी प्रोप रूट हो सकती है

फ्लोरल और आपकी ट्रू एडवेंसियस रूट ठीक है जैसे आपने देखा होगा ना जो बेम्बू वगैरह के आपके पेड़ होते हैं उसमें नीचे की तरफ ऐसे बहुत सारी आपकी जड़े जैसे आप गन्ने का कभी पौधा उखाड़ उखा, कर यदि देखोगे तो उसमें आपको इस तरह की बहुत सारी रूट बनी हुई मिल जाती है क्लियर फिर आपके क्या होती है बेटा फ्लोयर आपने देखा होगा बहुत सारे आपके जो पौधे होते हैं उनके पत्तों पर आपको कुछ इस तरह की संरचना बनी हुई आ जाती है जो आपकी फ्लोयर रूट होती है फिब्रस रूट जो आपकी जड़ के अंदर बिल्कुल इस तरह से चारों तरफ फैली हुई होती है ये क्या होती है बच्चे आपकी फिब्रस रूट होती है क्लियर अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भारत इनमें से किस सब्सटेंस का किस पदार्थ का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है चाय का गेहूं का कॉफी का या चावल का मतलब इनमें से कोई एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी कंट्री के अंदर अच्छी मात्रा में डेवलप यानी कि आपका उत्पादित किया जाता है और उसको बाहर देशों में भी हम लोग करते है। उसको बाहर बाहर देशों देशों में में भी भी हम हम लोग लोग एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करते करते हैं हैं नहीं चावल नहीं बचा चाय ठीक है चाय हमारे यहाँ पर अच्छी खासा अच्छी खासी मात्रा में आपकी प्रोड्यूस भी की जाती है और इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं कैरेट इज अ रूट फ्रूट या फ्लावर बताइए गाजर क्या है आपकी जड़ है तना है आपका फ्रूट है फल है या फिर बच्चा आपकी कोई फूल है बताइए कैरेट इज अ गाजर एक जड़ है स्टेम है फल है या फूल है बताइए कैरेट इज अ बिल्कुल सही आंसर आया कैरेट इज व्हाट क्या है बच्चा गाजर आपकी एक जड़ होती है और कैसी जड़ है आपकी टैप रूट होती है ये भी आप लोग याद रखेंगे रूट अराइजेस फ्रॉम द होरिजोनटल अराइल एरियल ब्रांचेस ऑफ ट्री बैनियान इज कोल्ड मतलब आपका बैनियान जो आपका बरगद का पेड़ होता है आपने देखा होगा ना बचपन में वो आप लोग झूला झूले होंगे उस आपके बरगद के पेड़ पर है ना ऐसे हाथ से पकड़कर इधर से उधर हम लोग खेलते रहते थे तो बेसिकली वो जो उसकी आपकी शाखाएं नहीं होती बल्कि उसकी जड़ें होती है और इन जड़ों को हम कौन सी जड़े कहते हैं आपकी रूट स्टिल रूट क्लिम्बिंग रूट या प्रोप रूट बताइए जो बरगद का पेड़ होता है उसमें जो आपको नीचे की तरफ जो ब्रांचेस की तरह आपको लटकी हुई नजर आती है वो एक्चुअली में ब्रांचेस नहीं है उसकी जड़ें होती हैं और इस तरह की जड़ों को हम लोग क्या कहते हैं इस तरह की जड़ों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा आपका प्रोप रूट कहते हैं क्या बोलते हैं बच्चा इसको हम लोग आपका प्रोप रूट बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार आपका क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज रोंग बताइए इनमें से कौन सा मैच आपका रोंग है मतलब कोनिकल आपकी प्याज जो है क्या एक कोनिकल रूट है रेडिस यानी मूली क्या एक फ्यूजी फॉर्म आपकी रूट है या टर्निप यानी सलजम जो है एक नेपी फॉर्म रूट होती है मैंग्रोव की जो बेटा आपकी जड़े होती हैं क्या वो रेस्पिरेटरी रूट होती हैं तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है बल्कि कोनिकल रूट आपके कौन होती है गाजर यानी कि जो आपकी कैरेट होती है वो आपकी क्या होती है बेटा वो आपकी एक कोनिकल रूट्स होती है क्लियर तो आपका कौन सा यहाँ पर गलत मैच है अनियन कॉनिकल रूट्स नहीं होती बाकी मूली जो है ये आप लोग याद रखेंगे एक फ्यूजी फॉर्म रूट होती है टर्निप जो है बेटा ये आपकी फॉर्म रूट होती है और जो आपके मैंग्रूव यानी मैंग्रोव का जो आपका पेड़ होता है उसमें जो आपकी रूट्स होती हैं वो आपकी रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं वो आपकी रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं आर फाउंड इन इनमें से किस में पाए जाते हैं हाइड्रिला है में आपका रिजोफोरा में वोटर चेस्ट नट में या सालवीनिया में बताइए नीमेटोफोर्स इनमें से किसके अंदर पाए जाते हैं नीमेटोफोर इनमें से किसके अंदर पाए जाते हैं <laughs> इनमें से किसके अंदर आपके पाए जाते हैं बेटा रिजोफोरा के अंदर आपके निमेटोफोर्स पाए जाते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोविंग रूट्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोविंग रूट्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोविंग रूट कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनमें से किस रूट के अंदर किस टाइप की रूट के अंदर आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो जो आपकी नोड्यूलेटेड रूट्स होती हैं इनके अंदर आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं द एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो इज आलू का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है या जो आप आलू खाते हो वो उसका कौन सा पार्ट होता है मतलब पौधे का वो कौन सा हिस्सा होता है क्या वो जड़ होती है क्या वो बड यानी कोई कली हम लोग खाते हैं उसके फल को हम लोग खाते हैं या फिर वो तना होता है या फिर वो तना होता है बताइए एडिबल पार्ट ऑफ पोटेटो इज तो जो आप खाते हैं वो क्या होता है बच्चा स्टैम होता है वो क्या होता है उसका आपका स्टैम यानी तना होता है विच मोडिफिकेशन ऑफ रूट डज नोट स्टोर फूड इनमें से कौन से तरह की जड़े हैं जो अपने अंदर खाने को स्टोर नहीं कर सकती रूट या रूट कोनिकल स्टिल्ट रूट या ट्यूब्रस रूट बताइए या फिर बच्चा आपकी ट्यूब्रस रूट इनमें से कौन से टाइप की जड़े हैं जो अपने अंदर खाने को स्टोर नहीं करती हैं स्टिल्ट रूट है जो अपने अंदर खाने को स्टोर नहीं कर सकती है या इनका इस्तेमाल हम खाने के रूप में नहीं कर सकते दोनों का सेम ही सेंस है एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप, सलजम का कौन सा हिस्सा खाने योग्य होता है या जो आप सलजम खाते हो वो इसका कौन सा हिस्सा है या फिर वो किस तरह की जड़ है मॉडिफाइड एडवेंसियस रूट है या मॉडिफाइड टैप रूट है या मॉडिफाइड बेस ऑफ स्टेम है यानी आप तने को खाते हो या एक अंडरग्राउंड स्टेम है जो सलजम आप लोग खाते हो जो सलजम आप लोग खाते हो हमारी बॉडी के लिए सलजम बहुत अच्छी होती है ठीक है तो जो सलजम आप लोग खाते हो वो किस तरह की आपकी रूट है या फिर वो एक तना है या फिर वो आपकी एक तना है बताइए सलजम क्या है सलजम क्या है बच्चा बेसिकली आपकी एक मोडिफाइड रूट होती है जो हम खाते हैं ना ये क्या होती है बच्चा आपकी एक मोडिफाइड टैप रूट होती है यानी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा स्टैम डेवलप फ्रोम बताइए तना जो है इनमें से किस हिस्से से पनपता है प्लम्यूल से या फिर स्टैम बर्ड्स यहाँ पर आपका होना चाहिए था ठीक है देन उसके बाद में रेडिकल या फिर बेटा आपकी एपिकोटल इनमें से किसके द्वारा पौधे की पौधे के अंदर जो बच्चा आपका स्टैम यानी जो आपका तना बनता है वो इनमें से किसके द्वारा पनपता है वो इनमें से किसके द्वारा पनपता है तो जो आपका तना होता है मैंने आपको बताया कोई भी आपका बीज है जब ये अंकुरित होता है होता है तो इसमें दो हिस्से बनते हैं एक होता है आपका रेडिकल जिससे आपकी रूट तैयार होती है ठीक है जड़ बनती है एक होता है प्लम्यूल एक होता है आपका प्लम्यूल जिससे आपका पूरा शूट सिस्टम यानी टहनिया बनेंगी वो सबकी सब आपकी प्लम्यूल से बनेंगी तो ऑब्वियसली आपका जो स्टैम है वो कहा जमीन के ऊपर ही होता है मतलब रूट के अलावा जो भी आपका हिस्सा होता है जो प्लांट में डेवलप होता है वो आपका सब प्लम्यूल से होता है वो आपका सबका सब किससे होता है बच्चा आपका प्लम्यूल से होता है यही मैं आपको समझाती हूँ कि बहुत ज्यादा हिंदी इस्तेमाल नहीं करता है खुद एग्जामिनर भी आपके एग्जाम्स में उसने प्लम्यूल को हिंदी में ट्रांसलेट प्लम्यूल ही किया है आप लोग खुद ही देख सकते हो ठीक है आप लोग खुद ही देख सकते हो तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश पर काम जरूर करें बच्चा क्योंकि आगे तो आपके काम आएगी ही एग्जाम में भी आपके काम आएगी इज अ फाइलोक्शन ऑफ फाइलो क्लाइड इज अ मोडिफिकेशन ऑफ रूट लीफ स्टेम या इनमें से कोई नहीं फाइलोक्लैड इनमें से किसका मोडिफिकेशन है इनमें से किसका, किसका जड़ का पत्तियों का तने का तने या इनमें से किसी का नहीं तो फाइलोक्लाइड इनमें से किसका आपका बेटा मोडिफिकेशन होते हैं इस टाइम आज की क्लास में बहुत सारे आपके टेक्निकल वर्ड्स में इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि बच्चा ये है कि देखो एक दो क्लास मुझे ऐसी भी करानी होंगी जहां पर आपको ये थोड़ा रियलाइज हो कि इस तरह के साइंटिफिक वर्ड्स भी आपके एग्जाम के भी वो पूछेगा तो इससे आपकी, तो आपकी संख्या घटती है हालांकि बढ़नी चाहिए लेकिन घट जाती है क्योंकि वही वाली बात है ना वो एबीसीडी खेलने की आदत सबको है लेकिन अच्छा कॉन्टेंट पढ़ने के लिए दिमाग समय सबकी जरूरत होती है वो बच्चे आजकल कतराते हैं भागते हैं वो मेहनत करने से तो फाइलो फाइलो जो है ये आपके किससे डेवलप होते हैं ये आपके स्टेम यानी तने से डेवलप होते हैं आई ऑफ पोटैटो आर आलू होता है ना आलू आपको थोड़े दिनों बाद क्या होता है उसमें ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे ऐसे बर्ड से निकलने शुरू हो जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आलू की आंखें निकल गई है ना तो जो आई होती है पोटैटो की वो क्या होती है कोई एपिकल बर्ड्स होती हैं या एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं एडवेंसियस रूट्स होती हैं क्या वो उसकी या फिर बच्चा आपकी क्या एक्स्ट्रा बर्ड्स होती हैं बताइए आलू की जो आंख होती है यानी आई ऑफ पोटैटो बेटा मेरा टाइम कौन से बैच में पूछ रहे हो आप ये बताइए मेरी क्लास अभी पेड़ के लिए एक सुबह दस बजे होती है एक शाम को सात बजे होती है आई ऑफ पोटैटो आर व्हाट एक्स्ट्रा एक्सलरी बर्ड्स होती हैं ये क्या होती है बेटा इसकी आपकी एक्स्ट्रा बर्ड्स होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन कैटाई फोटो फोटो सिंथेसिस इज डन बाय बताइए इन कैक्टाई फोटो सिंथेसिस इज डन बाय जो आपका कैक्टस का पौधा होता है जो आपका कैक्टस का पौधा होता है इनमें से किसके द्वारा फोटोसिंथेसिस करता है इनमें से और आई एम डैम श्योर कि आप सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे भाई फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में किसके द्वारा होती है किचन ऑफ प्लांट हम किसको बोलते हैं पौधों का रसोई घर हम किसको बोलते हैं कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं बच्चे इस क्वेश्चन में बिल्कुल सबका आंसर आया है मैम लीफ क्या लीफ और सबका गलत एक बात बताओ जो कैक्टस का आपका पौधा होता है वो किस में आता है आपका जीरो फाइट्स में आता है यानी जीरो फाइट्स आपके वो प्लांट्स होते हैं जो उस जगह पर डेवलप होते हैं जहां मिट्टी में पानी की कमी होती है तो कैक्टस का पौधा आपका राजस्थान में देखा जाता है ठीक है रेगिस्तान वाली जगह पर पाया जाता है पानी की कमी होने के कारण इसकी जो पत्तियां होती है मेरे ख्याल से वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती है बोलो हाँ के ना भाई होती है कि नहीं होती है ना वो आपकी कांटों में कन्वर्ट हो जाती है अब ऑबवियसली लीव्स जब कांटे बन चुकी हैं तो फिर वहां पर फोटोसिंथेसिस कौन करता होगा तो फोटोसिंथेसिस आपका स्टेम करता है आपका तना करता है ठीक है फोटोसिंथेसिस कौन करता है बच्चा आपका स्टेम यानी तना करता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम इनमें से कौन सा आपका एक तना है पोटैटो सी पोटैटो या फिर बच्चा आपका कैरेट या फिर बच्चा आपका रेडिस बताइए सीट नहीं ये सुीट है ये स्वीट है स्वीट लिखना इसको स्वीट पोटैटो होता है आपका शकरगंदी बताइए इनमें से कौन सा आपका एक स्टैम यानी तना है विच ऑफ दिंग इज आ स्टैम इनमें से कौन सा आपका एक स्टैम है बच्चा तो कौन सा है ये आपका पोटैटो आलू क्या होता है आलू आपका एक तना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पोटैटो इज अ मोडिफाइड स्टैम विच इज कोल्ड बताइए जो आपका आलू है मैंने आपको ये तो बता दिया कि आलू जो है बच्चा वो आपका एक क्या है तना है लेकिन किस टाइप का तना है पोटैटो इज अ मोडिफाइड स्टैम्प विच इज कोल्ड मतलब मोडिफाइड स्टैम्प को आलू के मोडिफाइड स्टैम्प को हम इनमें से दूसरे किस शब्द से जान सकते हैं कॉम बल्ब ट्यूबर या स्कैली बल्ब तो बच्चा देखो वैसे तो जो क्या होता है जो आपका मोडिफाइड स्टैम होता है उसके लिए वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टेलन का लेकिन इसी का एक सेम सेंस निकालता है क्या आपका ट्यूबर क्या बच्चा आपका ट्यूबर तो जो आपका पोटैटो जो एक मोडिफाइड स्टैम है उसको हम ट्यूबर भी एक वर्ड होता है जिसका सेम मीनिंग होता है

खाने योग्य हिस्सा इनमें से कौन सा होता है बताइए जो आप हल्दी खाते हो वो कौन सा हिस्सा होता है हल्दी का खाने योग्य हिस्सा इनमें से कौन सा है बताइए तो हल्दी का खाने योग्य रूट नहीं होती है वो उसकी रिजॉय्स होते हैं ठीक है हल्दी का खाने योग्य हिस्सा कौन सा जड़ नहीं होती भैया जड़ अलग होती है हल्दी की जो हम खाते हैं जो गांठ के रूप में हम अपने घर में जिसको कूटते हैं ना वो उसके क्या होते हैं बेटा वो उसके रिजोइंस होते हैं ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या है आपका जिंजर इज आ अदरक क्या है एक मोडिफाइड रूट है एक मोडिफाइड लीफ है एक मोडिफाइड स्टैम है या एक मोडिफाइड बल्ब है बताइए जिंजर इज आ अदरक क्या है एक मोडिफाइड रूट है स्टैम है आपका या फिर बच्चा आपकी लीफ है या फिर बच्चा आपका कोई मोडिफाइड बल्ब है बताइए बी बिल्कुल सही आया ये भी बच्चा आपका एक तनाही होता है ठीक है अदरक क्या होता है बच्चा ये भी आपका एक तनाही होता है अनियन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम लीव्स रूट या फिर फ्रूट बताइए प्याज क्या है प्याज आपकी एक मोडिफाइड एक मोडिफाइड स्टेम है रूट है लीव्स है या फ्रूट है थोड़ी देर पहले ही आपका प्याज का एक और क्वेश्चन आया था है ना थोड़ी देर पहले ही आपका एक और प्याज का क्वेश्चन आया था तो वो क्यों गलत था वो इसीलिए गलत था क्योंकि बच्चा जो आपका प्याज होती है जो आपकी अनियन होती है ये आपकी क्या होती है ये आपकी एक तने का प्रकार है ये क्या है बच्चा आपका एक स्टैम होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोविंग मोडिफाइड स्टैम बताइए इनमें से कौन सा आपका एक मोडिफाइड स्टैम है इनमें से कौन सा आपका एक मोडिफाइड स्टैम है

जिसमें आपके फूल हर साल आते हो लेकिन अपनी लाइफ साइकिल को दो साल में पूरा कर लेता हो इनमें से आप किसको बाइनियल प्लांट कहेंगे बाइनियल प्लांट इनमें से किसको कहा जाता है और यही क्वेश्चन बच्चा आज का आपका होमवर्क भी रहेगा क्लास अभी है लेकिन होमवर्क आपको मैंने पहले ही दे दिया है जिससे कि, कि आप सब लोग बाद में मुझे कमेंट करके बता सके कि उसका आंसर क्या होगा कैक्टस इज रेफर टू एज हाइड्रोफाइट जीरोफाइट जीरो या आपका एपीफाइट बताइए कैक्टस इज रेफर्ड टू एज कैक्टस इनमें से किस प्रकार का पौधा है कैक्टस इनमें से किस प्रकार का पौधा है तो आपका जीरोफाइट है जीरोफाइट वो प्लांट होते हैं जो वहां पर डेवलप होते हैं जहां आ, मिट्टी में पानी की कमी होती है जहां पर पानी की कमी होती है वहां जो आपके प्लांट्स डेवलप होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा आपके जीरो फाइट्स होते हैं अगला क्वेश्चन है द एडिबल पार्ट ऑफ गार्लिक इज लहसुन का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं लहसुन का कौन सा हिस्सा होता है जिसको हम लोग खाते हैं ट्यूनेक रिड्यूस्ड स्टेम फ्लेसी स्केल्स या बेस ऑफ इनफ्लोरोसेंस जो आप लहसुन खाते हैं वो लहसुन का प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है वो लहसुन के प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है बिल्कुल आपका क्या होता है बेटा वो उसकी फ्लैसी स्कैल्स होती हैं। वो उसकी क्या होती है बेटा आपकी फ्लैसी स्कैल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द स्टेम मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ एंड मैनी इंटरनोड्स इज कॉल्ड द स्टेम मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ एंड मैनी इंटरनोड्स इज कॉल्ड <clears throat> मतलब कोई आपका तने का वो पार्ट जो आगे चलकर ब्रांचेस या लीव्स या उसकी नोड्स को बनाने में मदद करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा आपका फायलो बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द स्टडी द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं द स्टडी ऑफ फ्लावर इस कोड फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए स्टडी ऑफ फ्लावर बिल्कुल सही आया आपका आंसर क्या बच्चा डी यानी एंथोलॉजी क्या होता है ये आपकी स्टडी ऑफ फ्लावर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या है प्लांट विच नॉट बी फ्लावर बट हैव सीड्स यानी वो पौधे कौन से हैं जिनके अंदर आपके फूल नहीं पाए जाते लेकिन उन पर आपके बीज यानी उनके अंदर आपके बीज पाए जाते हैं इनमें से वो कौन से पौधे हैं जिनके अंदर आपके फूल नहीं आते लेकिन उनमें आपके क्या बच्चा बीज पाए जाते हैं उनमें आपके बीज पाए जाते हैं तो जिम्नो जो होते हैं जिम्नोस्पम्प यानी बीज के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है ये बच्चा आपके वो पौधे होते हैं जिन पर फूल नहीं आते लेकिन इन पर आपके बीज आते हैं अ कंप्लीट फ्लावर हैव इनमें से आप किसको कंप्लीट फ्लावर बोल सकते हैं जिसके अंदर एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों हो सैपल और पेटल्स भी पाए जाते हो या फिर जिसमें एंड्रोसियम गायनोसियम और पेटल्स पाए जाते हैं क्या हम उसे एक कंप्लीट फ्लावर बोल सकते हैं तो complete flower, मैंने आपको पहले भी बताया था कंप्लीट फ्लावर हम किसको बोलते हैं जिसके अंदर एंड्रोशियम गाइनोसियम सेपल्स और पेटल्स ठीक है जैसे मान लिया बच्चे देखो ये कोई आपका एक फ्लावर है तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें कौन कौन सा पार्ट है ये किस किस पार्ट की बात की गई है क्लियर जी ओके तो यहाँ पर ये जो फ्लावर के नीचे जो बचा आपका यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स होती है छोटी छोटी ऐसी होती नहीं संरचनाएं होती है नीचे की तरफ उसको हम लोग बोलते हैं सैपल्स पेटल्स यानी पंखुड़िया जो अपनी तरफ कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करने का काम करती है एंड्रोसियम फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और गायनोसियम फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ठीक है जी अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज इनमें से कौन सा हिस्सा का रिप्रोडक्टिव पार्ट है and and इनमें से कौन सा हिस्सा है फ्लावर का जो की रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो अभी मैंने आपको बताया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज एंड्रोसियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गायनेसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गायनेसियम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर अगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अगर अगर इनमें से हमें कहां से प्राप्त होती है एलगी से फंजाय से लाइकेन से या ब्रायोफाइट से अगर अगर हम इनमें से कहां से प्राप्त करते हैं बताइए अगर अगर इनमें से हमें कहां से प्राप्त होती है तो ये आपको प्राप्त होती है रेड एलगी से कहां से बेटा लाल शैवाल यानी रेड एल्गी से ये आपको प्राप्त होती है लार्जेस्ट in इन world इज बताइए दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़ा फूल इनमें से कौन सा है दुनिया में सबसे लार्जेस्ट फ्लावर फाउंड इन द वर्ल्ड इज दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा फूल इनमें से कौन सा है बिल्कुल आपका रेफ्लेसिया है कौन सा है बच्चा ये आपका रेफ्लेसिया है क्लियर जी अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है भाई अगला क्वेश्चन है आपका द एडिबल पार्ट ऑफ कोली फ्लावर इज बताइए फूल गोभी ऑफ कोली फ्लावर इज वॉट फ्लावर कौन सा है बच्चा है ये आपका जो आप खाते हो वो उसका पुष्प वाला ही हिस्सा होता है इन कैक्टस द स्पाइंस आर मोडिफाइड कैक्टस का जो आपका पौधा होता है उसमें स्पाइन्स यानी कांटे जो उसके होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है वो किसका मॉडिफिकेशन है, है? बताइए तो बच्चा किसका मॉडिफिकेशन है ये आपकी पत्तियों का कांटे जो बनते हैं वो किससे बनते हैं लीव्स यानी पत्तियों से बनते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अ क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेंड थ्रू सेल्फ पोलिनेशन माइक्रो प्रोपोगेशन हाइब्रिड हाइब्रिड डाइजेशन क्रॉस पोलिनेशन भाई रिफ्लेक्शन पड़ता है पूरा शब्द दिखाई नहीं देता बहुत बार ना बताइए अ क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेन देखो क्लोन बेसिकली क्या है आपका मतलब ये आपका एक asexual रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाला आपका एक तरह से ये समझिए कि एक न्यू स्पीसीज हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें आपका आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ठीक है क्लोनिंग आपकी कैसे की जाती है ये आपका एक आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर बेटा आपका माइक्रो प्रोपोगेशन जो है माइक्रो प्रोपोगेशन के जरिए हम लोग क्लोन तैयार कर सकते हैं ठीक है माइक्रो प्रोपोगेशन के जरिए हम लोग यहाँ पर आपका क्लोन तैयार कर सकते हैं द डिजीज एथलीट फूट इज कोज बाई एथलीट फूट इनमें से किसके कारण होती है बैक्टीरिया के फंजाए के प्रोटोजोआ के या नीमोटोडा के तो एथलीट फूट आपके किससे होती है एक फंजाए से होने वाली बीमारी है यदि बैक्टीरिया से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा दो बीमारी पूछी जाती है एक आपका होता है टाइफाइड और एक आपका होता है माइक्रो एक आपका क्या होता है बच्चा माइक्रो प्रोटोजोआ से यदि पूछा जाए तो प्रोटोजोआ से आपकी सबसे ज्यादा बीमारी पूछी जाती है क्या मलेरिया क्या पूछी जाती है बच्चा आपकी मलेरिया पूछी जाती है अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार नेक्स्ट क्या है लाइकेन्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लाइकेन इनमें से किसके द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है लाइकेन्स इनमें से किसके द्वारा आपको प्राप्त हो सकती है लाइकेन्स आपके फंजाई एंड एल्गी के सिंबायोटिक रिलेशन में रहती है सहजीवी संबंध में रहती है ठीक है तो लाइकेन इनमें से किस-किस से प्राप्त हो सकती है फंजाई और एलगी से आर इंडिकेटर ऑफ इनमें से किसके सूचकांक है एयर पोल्यूशन के वाटर पोल्यूशन के सॉयल पोल्यूशन के या रेडिएशन के या रेडिएशन के बताइए लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन या रेडिएशन तो लाइकेंस जो हैं, इनको हम नेचुरल एयर पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं प्राकृतिक वायु प्रदूषण सूचकांक के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका लाइकेन का लाइकेन आपके सिम्बायोटिक रिलेशन यानी सहजीवी संबंध में रहती है किस किसके एलगी और फनजाई के किस किसके बच्चा एलगी और फंजाई के लास्ट में आप लोग देखेंगे बैच में कैसे जुड़ सकते हैं आप लोगों को सिंपल हमारी वेबसाइट को विजिट करना है अंडर ट्वेंटी फोर सेवन और यहाँ पर बच्चा आप लोग कहाँ जाओगे ऑल कोर्स में जाओगे तो जो आपका एस एस सी जी डी का महापैक है ये आपका अभी लोवेस्ट प्राइस पर है तो आप लोग और अभी आपकी डबल वैलिडिटी भी है आप लोग इस पैक से जुड़ सकते हैं एक कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे आप लोग डिस्काउंट के लिए Y446 कितना बचा Y446 अप्लाई करोगे तो चार सौ अट्ठानवे रुपए में एक नहीं 2024 दिसंबर तक जितनी वैकेंसी आपकी आएंगी उन सब पर बेटा ये आपका लागू होगा सारे बैचेस रिकॉर्डेड क्लासेस टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है बस कूपन कोड आप लोग याद रखेंगे वाई चार सो छियालीस ओके चलो भाई अगली क्लास का भी आपका समय हो चुका है अगली क्लास अब आपकी अतुल सर की होगी तो बाय बाय टेक केयर जय हिंद